में. सो मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि एमएस वर्ड कैसी ऑन करना है. तो एमएस वर्ड देखा, तुम्हें पता है ये मेरे पास एमएस वर्ड 2019 है. सो अब इधर स्लाइड में स्टार्ट, तुम्हें कर्सर दिख रहा होगा मेरा, स्टार्ट में जाके यहाँ से ऑन करना है. नहीं तो तुम्हारे को ये ABCD है ना, सी में जाके डब्ल्यू में जाना है और तुम्हें मिल जाएगा वर्ड. ये क्लिक करके ओपन हो जाएगा तुम्हारा वर्ड. अभी मैं बेसिकली फॉन्टिंग फॉर्मेटिंग ये सिखाने वाला हूँ, तो ये सब मैंने टाइप करा है थोड़ा. हाँ, और इतना बस, एक पेज. अभी ये जो है संडे अक्टूबर 18, 2020, ये मैंने टाइप नहीं करा है, ये बस जस्ट कैसी करा है. सपोज ये कैंसिल कर दिया मैंने. हाँ, सबको आवाज आ रही है ना, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। वर्ड टाइप है. अब मैंने क्या करा है, इधर सीधा सीधा काय में गया था, इंसर्ट में गया था मैं, या फिर डिजाइन क्लिक हो गया मेरे से गलती से. ये टैब में ऊपर इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट, इंसर्ट में गया मैं. अभी इंसर्ट के अंदर जाने के बाद मैं गया हूँ टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, देखो टेक्स्ट बॉक्स ये दिख रहा होगा, उसमें बस यहाँ पे मैंने क्लिक करे हुआ है, सिलेक्ट करके रखे हुआ है, और ये डेट एंड टाइम करा है. अब मुझे कौन सा वाला डेट एंड टाइम चाहिए, तो ये बॉक्स ओपन हुआ, फिर ये वाला IC चाहिए इसी फॉर्मेट में, इधर करके ओके कर दिया, तो मतलब डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया, कौन से तारीख को. और ये पैराग्राफ, पैराग्राफ जो पी दिख रहा है ना, उल्टा पी लिखे हुआ, वो बस कैसी है, अगर जब तुम होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ्स में जाएंगे, ये पैराग्राफ जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये मैंने क्लिक करके रखा है, ये अनक्लिक करा तो तुम्हारे पैराग्राफ भी डिसेबल हो जाएंगे, वो प्रिंट में कुछ आते नहीं है, वो बस दिखाने के लिए कि तुम कहाँ कहाँ एंटर मार रहे हो. तो मैं ये ओपन ही रखूंगा, तो यहाँ पे मैंने एंटर मारा इसलिए ये पैराग्राफ आया. तुम्हें दिखा दूं क्या, ये देखो मैंने एंटर मारा तो पी आ गया, और एक एंटर मारा तो फिर से पी आ गया, मतलब ये स्पेस रहेगा, और जब प्रिंट होगा तब ये डॉक्यूमेंट ऐसा दिखेगा. अभी सब पहला वाला है विलियम बटलर यी एंड अ समरी ऑफ द सेकेंड कमिंग. तो अब मैं चाहूंगा कि इतना वाला पार्ट हेडलाइन रहे. अब हमें इसे बोल्ड करना है, तुम क्या करो, सिलेक्ट करो इसे. हाँ, इसे चाहे तो तुम यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, देखो होम में जाके फॉन्ट में जाके ये बोल्ड हुआ ICV. हाँ, और या तो फिर देखो मैंने अनबोल्ड कर दिया, तुम क्या करो, कीबोर्ड के ऊपर Ctrl V नाम का बटन है, उससे भी तुम इसे बोल्ड कर सकते हो. अब तुम फॉन्ट साइज बड़ी करनी है तो फिर से होम में जाके सिलेक्ट करना है, पहले होम में जाना है, और यहाँ पे फॉन्ट साइज दी भी है तो तुम बड़ी कर सकते हो फॉन्ट साइज. सपोज हम कर रहे हैं 26 की फॉन्ट साइज ले रहे हैं. हाँ, और अगर तुम्हें फॉन्ट भी चेंज करना है, जैसे टाइपिंग का फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है विलियम बटलर ही, अगर तुम्हें ये टाइप रिटन फॉर्मेट भी चेंज करना है, तो होम में जाके तुम जो भी चाहिए, सपोज मैं स्नैप ITC सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया. हाँ, वे ऑफ राइटिंग. अभी तुम देखेंगे, सपोज अब तो आई गेस तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, यहां तक हमें करना है. अब तुम देखेंगे लाइन की बिगनिंग वाला, हाँ, एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे हम लेटर राइटिंग में लिखते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए, मैं बोलता हूँ हर टाइम. अब लाइन के एंड वाला तुम्हें स्ट्रेट लाइन में दिख रहा नहीं है, यहाँ पे January 2019, अगर उसे स्ट्रेट लाइन करना है तो ये पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, फिर होम में जाके पैराग्राफ्स में जाके, हाँ, तुम्हें आखिरी वाला लास्ट वाला क्लिक करना है. यहाँ पे ये राइट अलाइनमेंट होता है, ये सेंटर अलाइनमेंट होता है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और ये जस्टिफाई वाला Ctrl J इसका शॉर्टकट की है. तो तुम देख सकते हो कि फॉर्मेटिंग पूरी एक लाइन में आ चुकी है. ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लाइन छोड़नी है, एंटर. हाँ, यहाँ पे फिर से लाइन छोड़नी है, एंटर मार दिया, तो देखो फॉर्मेटिंग में दिख रहा है वो. हाँ, तो ये सब हो गया टाइप. अब इसका फॉर्मेटिंग, अभी अगर सपोज मुझे फॉन्ट अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, सिलेक्ट करना है, तो सपोज पूरा सिलेक्ट हो गया नीचे वाला जो इसका फॉन्ट चेंज करना है मुझे. अभी सपोज फॉर एग्जांपल मुझे इटैलिक साइज में चाहिए, तो मैं फिर से जाऊंगा होम टैब में, होम टैब में फॉन्ट के अंदर इटैलिक करें तो सब कर्सिव आ जाएगा, और नॉन इटैलिक करना है तो जस्ट उसको क्लिक करना है,
उसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल आई बोल के, तो मैं इसे इटैलिक रन देता हूँ, तो मतलब इटैलिक। अगर मुझे फॉन्ट साइज बड़ा करना है, टेक्स्ट का साइज छोटा करना है, तो मैं फॉन्ट होम में फॉन्ट में जाके सिलेक्ट करूंगा और ये चूज कर सकता हूँ। तो तुम्हें बस वो पूरा फॉर्मेटिंग में दिखेगा, मतलब एक अच्छे इसमें दिख रहा है, मतलब व्यू में दिख सकता है। ओके सो ये था फॉर्मेटिंग। इसमें दो और इंटरेस्टिंग चीज मिले मुझे, तो सबसे और एक बात बता डालता हूँ वो पैराग्राफ के बारे में। सपोज तुम टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, पी करेंगे, कभी कभी गलती से हमारा डबल स्पेस हो जाता है, तो ये क्या होगा, दो डॉट आ जाते। अब ये मेरा परचेस वर्जन है इसलिए लाइन आ गई इसमें। ओके और फॉर एग्जाम्पल और एक चीज, ये विकिपीडिया, विकिपीडिया के बारे में तुम्हें पता ही होगा। अगर सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, ये विकिपीडिया ऑन करो, इंफॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स तुम्हें तुम्हारा साइड में ऐसे खुल जाएगा, तुम उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। काय का इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज आशीष, नहीं अपन क्या करेंगे, टाइटन की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो टाइटन की इंफॉर्मेशन देखो, साइड के डॉग खुल गई, क्या क्या है वो खुद कंफ्यूजन कंफ्यूज्ड है। हाँ ये वाला तो टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न, ये वाली इंफॉर्मेशन निकली, निकल गई, तुम इसके थ्रू जा सकते हो इंफॉर्मेशन। और मुझे इंटरेस्टिंग चीज मिली थी इसमें, व्यू में अगर तुम चले गए, वैसे व्यू में भी है, उसमें ये इमर्सिव में तुम अगर लर्निंग टूल ये ऑन करते हो, हाँ तो ये पढ़ेगा पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट। तुम लोगों को आवाज आ रही होगी, प्रतीक है क्या आप, क्या चले गए yes, है ना। अब ये देखो, अगर रीडिंग टूल ऑन करा और मैं ये रीड अलाउड ये बटन, लर्निंग टूल जल्दी लगे ही पॉपअप हो गया बाजू में, तो रीड अलाउड बोलता हूँ तो वो रीड करेगा। संडे अक्टूबर 18, 2020 विलियम बटलर येट्स एंड अ समरी ऑफ द सेकंड कमिंग। विलियम बटलर येट्स रोट हिज विजनरी पोएम द सेकंड कमिंग इन जनवरी 1919 व्हेन ही वाज 44 ईयर्स। ओके ये रीडिंग टूल है, और एक अगर सपोज जस्ट तुम्हें रीड करना है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिलेबल्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, तो रिव्यू में जाके स्पीच में संडे अक्टूबर 18, 2020 विलियम बटलर येट्स इन अ समरी ऑफ द सेकंड कमिंग। ये अगर डॉक्यूमेंट अगर इसको तुम्हें ट्रांसलेट करना है, अगर ये ट्रांसलेट द होल डॉक्यूमेंट, ट्रांसक्रिप्ट सिलेक्शन करेंगे तो एक चीज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेगा वो। अगर तुम ट्रांसलेट में जाते हो और अब इधर पूछेंगे ऑटोडिडक्ट इंग्लिश में, अफ्रीकन में कर रहा था, अगर तुम्हें सपोज ये पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए मराठी के अंदर, हाँ तुम्हें सिलेक्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करना है और ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करना है, हाँ ये ट्रांसलेशन कंप्लीट मराठी में हो चुका है, साइड में नई स्क्रीन अपने आप खुल गई है, दिख रहा है। दिख रहा है क्या प्रतीक, मराठी में ट्रांसलेट हो गया वो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा। आशीष यस सर, हां आशीष तेरे को दिख रहा क्या, यस सर। तू वो भी कर सकता, सपोज मराठी अगर तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं है हो रही है, हां मराठी तुम्हें समझ रही नहीं है, तो तू क्या करेगा, तुझे कौन सी गुजराती, गुजराती पढ़नी आती तुझे आशीष? नहीं सपोज गुजराती में ट्रांसलेट कर दिया, गुजराती में ट्रांसलेट करेंगे ये डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट गुजराती में भी ट्रांसलेट हो जाएगा। नई विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें गुजराती में उसने ट्रांसलेट कर दिया, दिख रहा है आशित, स्क्रीन दिख रही है? गुजराती में भी ट्रांसलेट कराया, तो ये ट्रांसलेट हमने, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट हमने बहुत सारी चीजें देखी, फॉर्मेटिंग देखी है, और फिर बोलते हैं विकिपीडिया देखा है, ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट आज देख लिया हमने, हाँ रीडिंग टूल भी देखा है हमने आज ही, आज ही। ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसके किसके प्रतीक आपके मोबाइल में वर्ड है, एमएस वर्ड?
नहीं सर डाउनलोड कर तो थोड़ा आप डाउनलोड करो कोई भी एक डॉक्यूमेंट तुम टाइप करो उसके फॉर्मेटिंग करो yes. और मेरा मेल आईडी तो है ना तुम्हारे पास यस हाँ मेरे मेल आईडी पे मेल करो ओके yes. okay? yes, तो ही मुझे रिकॉर्डिंग करना लाइट आ गई क्या जान दो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे के पॉइंट्स और